नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। पलामू, पार्टी को नहीं नेता को देखकर जनता करे चुनाव, के एन त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव अगले वर्ष 2024 में होना है, लेकिन इसकी तैयारियां अभी से तेज हैं। संभावित उम्मीदवार द्वारा कार्यकर्ताओं को गोलबंद किया जा रहा है। डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी ने भी चतरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। मंगलवार को श्री त्रिपाठी ने चियांगी स्थित अपने आवास पर करीब 2000 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव को लेकर उनके अंदर जोश भरा, साथ ही विचार विमर्श किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री त्रिपाठी ने कहा कि चतरा लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है, बावजूद डाल्टनगंज विधानसभा सीट पर भी उनकी निगाह पूर्व ही तरह बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से उन्होंने विकास परामर्श यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया है। सतबरवा के धावाडीह से इसकी शुरुआत करेंगे। चतरा लोकसभा क्षेत्र के प्रखंड एवं पंचायत तक पहुंचकर समस्याओं को जानेंगे और संभावनाओं के अनुसार विकास का खाका तैयार किया जाएगा। पलामू को उपराजधानी बनाने की कोशिश रहेगी, ताकि रांची और दुमका की तरह इसका भी विकास हो सके। उन्होंने कहा कि चतरा लोकसभा सीट की 238 पंचायतों में रायशुमारी कर चुके हैं, 98 में करना बाकी रह गया है। राजनीति पर चर्चा करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि जो लोग राजनीतिक जीवन को नौकरी की तरह देखते हैं, वे प्रखंडों तक ही सिमट कर रह जाते हैं। सेवा करने की इच्छा रखने वाले पूरे राज्य को देखते हैं। उन्होंने जनता को आह्वान करते हुए कहा कि विकास के लिए अच्छे नेता को चुने, पार्टी देखकर वोट देने पर विकास में पिछड़ जाते हैं। नहीं, आज जो इस डाल्टनगंज में जो लोग साथी मेरे साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों से आज सलाह मशविरा कर रहा था कि जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें हम लोगों को क्या करना है। चतरा पार्लियामेंट में लोग लड़ने की इच्छा जताए हैं। इनका कहना था कि इंदर सिंह नामधारी जी निर्दलीय यहाँ पे चुनाव इसलिए जीत गए क्योंकि ये लोकल थे, पलामू के रहने वाले थे, और पलामू, चतरा, लातेहार तीन जिलों का यह लोकसभा बना हुआ है। तो सब लोगों का ये कहना था कि आप भी लड़िएगा तो चुनाव जीतिएगा, इसलिए आप पार्टी से टिकट मांगिए और चुनाव लड़िए, ऐसा लोगों का विचार था। सारे सत्ता इसलिए जरूरी है क्योंकि अफसरशाही पर राज्य में लगाम नहीं है। अफसरशाही लोगों का शोषण करती है, लोग अन्याय के शिकार हो रहे हैं, पब्लिक, आम पब्लिक परेशान है, और बिना सत्ता के उस अफसरशाही जैसे घोड़े को लगाम नहीं दिया जा सकता, उसकी घुड़सवारी नहीं की जा सकती। इसलिए अफसरशाही पर लगाम के लिए, आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए सत्ता जरूरी है, और उस सत्ता प्रजातंत्र में चुनाव के माध्यम से आता है, लोकसभा और विधानसभाओं के माध्यम से आता है। इसलिए चुनाव लड़ करके जीत करके सत्ता हासिल करना नितांत आवश्यक। एकदम ठीक बात है, जनता अपना काम करे, विधायकों को और सांसदों को अपना काम करने दे। जब जनता विधायक चुनेगी तो विधायक अपना मुख्यमंत्री चुनेगा, यदि जनता मुख्यमंत्री चुनेगी तो फिर विधायक मुख्यमंत्री चुन लेगा, जनता नहीं चुन पाएगी। सांसद प्रधानमंत्री चुने, जनता सांसद चुने, यदि जनता प्रधानमंत्री चुनेगी तो प्रधानमंत्री अपने पास से निकाल के सांसद बना लेगा, फिर जनता सांसद नहीं चुन पाएगी। और चुन लेने के बाद, चुनाव हो जाने के बाद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राज्य और देश की नीतियां बना सकते हैं, लेकिन उस संसदीय क्षेत्र और उस विधानसभा में क्या डेवलपमेंट हो, इसका व्हाइट पेपर तो सांसद और विधायक ही बनाएंगे, और उन्हीं में से कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसलिए जनता सांसद चुने, जनता विधायक चुने, सांसदों और विधायकों को अपना कार्य करने। विकास परामर्श यात्रा शुरू होने जा रहा है 1 तारीख से। उस विकास परामर्श यात्रा में हम लोग सभी
पंचायतों का दौरा करते, गांव का दौरा करते हुए प्रखंड हेडक्वार्टर में सबको एक जगह बुलाएंगे, वहां एक व्हाइट पेपर तैयार करेंगे कि उस प्रखंडों के विकास के लिए किन किन चीजों का जरूरत है, क्या क्या काम वहां हो सकता है, किन नदियों को बांधा जा सकता है, किन माइंसों को खोला जा सकता है, कहाँ उद्योग लगाए जा सकते हैं, कहाँ इंडस्ट्री लगाया जा सकता है, कहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाया जा सकता है, कहाँ ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है, इन सब चीजों का व्हाइट पेपर संग्रह होगा। डाल्टनगंज उपराजधानी बननी चाहिए, क्योंकि एक जगह ही विधानसभा चले यह जरूरी नहीं है। कई राज्यों में दूसरे जगहों भी विधानसभाएं चलती हैं। महाराष्ट्र में मुंबई में एक सेशन चलता है, तो नागपुर में विंटर सेशन चलता है, दूसरा सेशन चलता है, तो रांची में एक सेशन चले, एक सेशन दुमका में चले, एक सेशन पलामू में चले, तीन सेशन तीन जगह हो, और एक यदि उपराजधानी दुमका है तो एक उपराजधानी डाल्टनगंज भी, मेदिनीनगर भी हो, तो हमें लगता है कि ये होना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग और महंगाई को करें बाय बाय, क्योंकि धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर अलका इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टी ब्रांड शोरूम अपने ग्राहकों को दे रहा है सबसे सस्ते कीमत पर खरीदारी करने का मौका और साथ में बड़ा वाला उपहार भी हाथों हाथ। इतना ही नहीं, आप वॉशिंग मशीन 7 kg घर ले जाइए मात्र 8,999 रुपए में और स्मार्ट टीवी 32 इंच भी उपलब्ध है मात्र 8,999 रुपए में। तो आज ही संपर्क करें अलका इलेक्ट्रॉनिक्स, कचहरी रोड, गढ़वा।